बुधवार गुरुवार की रात करीब 2 बजे भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर स्थित एमवीआर कोरल सोसाइटी में 4 अज्ञात नकाबपोश हथियारबंद बदमाश ने बंद 2 फ्लैटों के चटकाकर उनमें जमकर उत्पात मचाया और लाखों रुपए के सोने व चांदी के जेवरात, सामान और नकदी समेट ले गए। दोनों ही फ्लैटों के मालिक निजी काम से बाहर गए हुए थे। इनमें से 4th फ्लोर के फ्लैट नंबर 401 के मालिक विनय पांडे ने शुक्रवार को भिवाड़ी पहुंचकर शाम 5 बजे भिवाड़ी फूलबाग थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही 205 नंबर फ्लैट के मालिक बेंगलुरु से अभी नहीं पहुंचे हैं। भिवाड़ी पहुंचने के बाद उनके द्वारा भी मामले की एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। एमबीएल कोरल सोसाइटी के फ्लैट नंबर 401 के मालिक विनय पांडे ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि वह गत 31 दिसंबर को अपने परिवार सहित अपने पैतृक गांव प्रयागराज गए हुए थे। पीछे से बुधवार गुरुवार की रात 2 बजे अज्ञात 4 हथियारबंद बदमाश लोग कटर व चाकू से उनके मुख्य दरवाजे का लोक तोड़कर अंदर घुसे और घर में रखे 2 लाख रुपए के नगद और 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित सीसीटीवी कैमरे की डीबीआर, वाईफाई सेट, नए कपड़े, जूते, घड़ियां और लैपटॉप समेत अन्य सामान चुरा कर ले गए। जब सोशल मीडिया पर सोसाइटी में चोर घुसने की बात सुनी तो पड़ोसियों की फ्लैट की जानकारी लेने के लिए भेजा तो पूरा मामला सामने आया और पता चला कि अज्ञात चोरों ने फ्लैट सारे सामान को इधर उधर बिखेर दिया और कीमती सामान चोरी कर ले गए। चोरों के द्वारा की गई वारदात फ्लैट के अंदर व बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शुक्रवार शाम 5 बजे पीड़ित विनय पांडे के साथ भिवाड़ी विप्र समाज के लोग भी एकत्रित होकर फूलबाग थाना पहुंचे और मामले को अति गंभीर बताते हुए चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही भिवाड़ी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल लगाते हुए गश्त बढ़ा सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की बात कही। फिलहाल भिवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार पांडे है। क्या हुआ था आपके? सर, 31 तारीख को हम यहाँ से अपने गाँव गए हुए थे, बट कल हमें पता चला कि हमारे और हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा, पता चला था कि एमबीएल में चोर घुसे हुए हैं। उसके बाद हमने अपनी सीसीटीवी कैमरा देखा तो हमारे घर में चोर लास्ट 2:30 बजे के आसपास घुसते हुए दिखाई दिए। तो हमने फिर अपने पड़ोसियों को फ़ोन किया तो उन्होंने हमारा जो दरवाज़ा उड़काया हुआ था उसको खोल के देखा तो हमारे घर के सारे सामान बिखरे पड़े हुए थे और अलमारी के ताले वगैरह सब। फिर हमने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आके चेक करके गई तो हमारा सारा सामान चोरी हो रखा था। और आज सुबह हम क्योंकि घर गए हुए थे तो हम आज सुबह भिवाड़ी वापस पहुंचे हैं और आके अभी हमने थाने में तहरीर दी है और हम गुजारिश करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ के और हमारा सामान रिकवरी किया जाए। मैं अपने घर पैतृक गांव इलाहाबाद गया हुआ था। इलाहाबाद? कब लौटे हैं आप? कल मैं लखनऊ में था अपने रिश्तेदारी पे, तो कल मेरे को जैसे ही सूचना मिली गई तो लखनऊ से मैं फिर तुरंत भिवाड़ी के लिए प्रस्थान कर लिया। आपने मामला दर्ज करा दिया? मामला अभी हमने लिखित में वो दे दिया है, अभी सर बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में एफआईआर दर्ज हो जाएगी।